कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी के उपदेश से प्रतिबोधित होकर कुमारपाल महाराजा ने जैन धर्म को अंगीकार किया। विक्रम संवत 1221 में तारणगिरी पर श्री अजितनाथ विहार महाप्रसाद का निर्माण करवाया गया। विक्रम संवत 1241 में श्री सोम प्रभाचार्य जी रचित कुमारपाल प्रतिबोध में उल्लेख किया गया है कि विक्रम की पहली शताब्दी में आर्य कपोटाचार्य की प्रेरणा से तारापुर में सिद्धायिका देवी का मंदिर बनवाया गया। यहाँ पर स्थित कोटिशाला, मोक्षबारी, सिद्धशाला के बारे में मान्यता है कि यहाँ से अनंतानंद मुनियों ने साधना करके मुक्ति पाई है। अतः कुमारपाल महाराजा के द्वारा यहाँ पर अपने आप में सबसे बड़ा विशाल जैन बिंब का निर्माण कराया गया श्री अजितनाथ भगवान के, और ये उपदेश उनके गुरु श्री हेमचंद्राचार्य जी के द्वारा दिया गया था। कालांतर में उत्तराधिकारी अजय पाल ने अनेक जैन मंदिरों को ध्वंस किया, उनका विध्वंस किया, लेकिन संघ के प्रयत्न से अधिकारी सील नाग के सहयोग से उक्त जिनालय को बचाया गया। कहा जाता है कि इस जिनालय के भीतर की भाग में अतरक के काष्ठ की रचना की गई है। इस काष्ठ की विशेषता यह है कि इसमें आग नहीं लगती है और आग फैलने पर इसमें पानी निकलता है। इसको नेक्स्ट करना। विक्रम संवत 1284 में महामात्य वस्तुपाल ने यहाँ पर विशाल अग्रमंडप का और दो गवाक्ष बनवाकर श्री आदिनाथ श्री नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा जी को विराजित किया। विक्रम संवत की 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस मंदिर को क्षति पहुंचाकर मूल नायक की जो प्रतिमा थी उसको खंडित कर दिया गया। विक्रम संवत 1389 में आचार्य श्री जिन प्रभ सूरी जी ने 84 विविध तीर्थ कल्प में तारक तीर्थ विश्वकोटि शिला पर श्री अजितनाथ नाम का उल्लेख किया गया है। आचार्य श्री सोम सुंदर जी महाराज साहब के उपदेश से दीर्घदर्शी श्री गोविंद श्रेष्ठ जी और भार्या जायलजे ने स्व कुटुंब के श्रेष्ठ जी अजितनाथ जी प्रभु का नूतन जन्म बनाकर विक्रम संवत 1469 में प्रभु की प्रतिमा जी को यहाँ पे विराजमान किया। जय श्री अजितनाथ भगवान की जय।